हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, इस समय रुलखोन यूनिवर्सिटी से एडमिशन को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं और आपने ऑलरेडी फॉर्म वगैरह फिल कर दिए हैं, तो बरेली कॉलेज में अगर आपने फॉर्म फिल किया था, तो इसके लिए बरेली कॉलेज की तरफ से आज की लेटेस्ट अपडेट आ रही है आपके एडमिशन को लेकर। और इसी के साथ जो पहली अपडेट है वो यहाँ पर आपके सामने बरेली कॉलेज के लिए है, और इसी के साथ जो दूसरी अपडेट है वो यूनिवर्सिटी कैंपस के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे पीजी कोर्सेज में एडमिशन बंद हो चुके हैं। बरेली कॉलेज में छात्र नेताओं का यहाँ पर हंगामा भी हुआ है। महाविद्यालय यानी कि कॉलेजेस ने रात 12 बजे तक प्रवेशित छात्रों का जो डाटा है वो अपलोड कर दिया है। मंगलवार शाम 5 बजे तक 27,000 से अधिक जो एडमिशन है वो हो चुके थे। यूनिवर्सिटी ने महाविद्यालयों को 22 नवम्बर तक प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते होंगे जानकारी दी जा रही कि MJP रुलखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय यानी कि कॉलेजेस में MA, MSc और MCOM में छात्रों के एडमिशन की डेट मंगलवार को समाप्त हो गई है। अभी भी काफ़ी संख्या में महाविद्यालयों में जो सीटें हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। रात तक कॉलेजेस ने पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के जो एडमिशन है उनका जो डेटा है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। हालांकि कॉलेजेस को यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि जो यूनिवर्सिटी है वो एक बार फिर से एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर सकती है। फिलहाल बरेली कॉलेज में प्रवेश को लेकर छात्र नेताओं ने यहाँ पर हंगामा भी कर दिया है। इसके साथ ही इस समय कॉलेजेस में LLB में भी एडमिशन हो रहे हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी कैंपस में संचालित MA, MSc के पाठ्यक्रमों में भी एडमिशन हो रहे हैं। इसी के साथ MA, MSc, MCOM के अलावा LLB, MBA, MCA, MLib समेत अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 47,806 छात्रों ने पंजीकरण कराया है। इनमें मंगलवार शाम 5 बजे तक प्रवेशित छात्रों की जो संख्या है वो 27,770 है, जिसका जो डेट है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ ही कॉलेजेस में MA, MSc और MCOM के पाठ्यक्रमों में 35,500 से अधिक पंजीकरण हुए, जिनमें शाम 5 बजे तक 27,000 से अधिक प्रवेश हो चुके थे। ऐसे में अभी भी काफ़ी संख्या में जो सीटें हैं वो खाली रह गई हैं। इसी के साथ अगर आपने यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन के लिए आवेदन किया था, तो यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर MSc प्लांट साइंस और एनिमल साइंस की जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी है। और इसके अकॉर्डिंग आपके जो एडमिशन है वो 26 नवंबर को होंगे, यानी कि जो काउंसलिंग है वो 26 नवंबर को होगी। प्लांट यानी कि बॉटनी में आपके जो एडमिशन है वो 55 रैंक तक के स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते होंगे जानकारी दी जा रही है एक बार फिर से बरेली कॉलेज की। MA उर्दू के लिए ओपन वर्ग की जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। बरेली कॉलेज में MA उर्दू में दाखिले के लिए SC ST वर्ग के विद्यार्थी नहीं मिल पा रहे हैं। काफ़ी इंतजार के बाद प्रवेश समिति ने ओपन वर्क की जो मेरिट है वो जारी की है। मेरिट इंडेक्स 135.640 से 121.300 तक रहा है। 22 नवंबर को काउंसलिंग होगी। इसी तरह MSc रसायन विज्ञान में OBC वर्ग की जो मेरिट इंडेक्स है वो यहाँ पर बताई गई है। बाकी यहाँ पर LLB दाखिले के जो पंजीकरण है वो कल तक होंगे। बरेली कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और आपने LLB का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, तो आप बरेली कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप बरेली कॉलेज की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं LLB के लिए। इसके साथ ही रुलखंड विश्वविद्यालय ने प्लांट साइंस, एनिमल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी में दाखिले के लिए दूसरी जो काउंसलिंग है उसका कार्यक्रम जारी किया है। कॉलेज यहाँ पर स्टूडेंट्स को ईमेल के जरिए जानकारी भेज दी गई। काउंसलिंग 26 नवंबर को सुबह 10 बजे से होगी। और इसके लिए MSc प्लांट साइंस में ओपन वर्ग में यहाँ पर 1 से 55 रैंक तक के स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। वहीं SC ST में सभी स्टूडेंट्स को और OBC में 1 से 55 रैंक तक, और इसी तरह से PH स्वतंत्रता सेनानी कोटे से सभी विद्यार्थियों को बुलाया गया। AWS वर्ग में भी सभी स्टूडेंट्स को बुलाया गया। इसी तरह MSc एनिमल साइंस में ओपन वर्ग से 1 से 50 रैंक तक, SC ST में सभी और OBC में 1 से 85 रैंक तक के, इसके साथ PH कैटेगरी में सभी स्टूडेंट्स बुलाए गए। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके एडमिशन से रिलेटेड। इसके अलावा जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आपको चैनल पर मिलती रहेगी। आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।